अतुलित बल धाम हेम शैलाव देहम धनुजुवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये जो श्लोक है जिन प्रभु के लिए बोला गया है, बजरंगबली हनुमान जी के लिए, इसका अर्थ है मैं अतुलित बल धाम को नमन करता हूँ, सोने की पहाड़ जैसा जिनका सुडौल शरीर है, जो ज्ञान के रूप में दानवों रूपी जंगल को नष्ट कर देता है, सभी गुणों की संपदा है, बानरों के स्वामी है और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी के जीवन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर हम उन पर गौर करें तो अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। यहाँ पे रामायण के कुछ प्रसंगों की बात हम करेंगे, कुछ चौपाइयों की बात करेंगे। जो हमने अभी बातें कही हनुमान जी के लिए जिनमें इतना बल है, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, उनकी अपने इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा है, कैसा उनका व्यवहार है और अपने इष्ट को वो कितना मानते हैं। जैसे कि रामायण में एक चौपाई आती है, जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलते हैं, एको मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोही विशारेव दीन बंधु भगवान। जब हनुमान जी को पता चलता है कि प्रभु श्री राम ही हैं जिनका भेद वो जानने आए थे, तो हनुमान जी ये कहते हैं, यानी कि हे प्रभु, एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर हे दीन बंधु प्रभु, आपने मुझे भी भुला दिया। यानी कि जो हनुमान जी इतने बलशाली हैं, जितने बुद्धि के सागर हैं, उनकी अपने इष्ट में कैसी निष्ठा है कि उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया है। तो ऐसे ही हम भी, जिसको चाहे हम किसी भी देवी देवता को मानते हैं, कोई भी देवी देवता छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपकी उनमें निष्ठा होनी चाहिए। रामायण में एक और चौपाई आती है, जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं लंका में जाकर, अस्मै अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी विभीषण जी को कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, यानी कि जाति के वानर थे, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तो हम सोच सकते हैं कि जो इतने बलशाली हैं, इतने बुद्धिमान हैं, उनकी अपने जो इष्ट हैं प्रभु राम, उनमें कितनी निष्ठा है, उन्होंने समर्पण कर दिया है, सर्व समर्पण कर दिया है। जब विभीषण जी कहते हैं कि क्या प्रभु मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं जाति का राक्षस हूं, तो हनुमान जी कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधि हीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहीना मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, यानी कि जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो बानरों का नाम ले ले, यानी हमारा नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले, तब भी प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। एक चौपाई आती है, ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनाई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी शपथ करके कहता हूं, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी कि करना ही पड़ता है। तो हनुमान जी की जो ये चौपाइयां हैं,
वो उनकी श्री राम जी के चरणों में निष्ठा को व्यक्त करती हैं। भक्त शिरोमणि है हनुमान जी। एक अंतिम चौपाई इस वीडियो में हम बात करेंगे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यदि मुझ में बहुत से अवगुण हैं तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे भूल ना जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से ही मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तो हनुमान जी ने श्री राम जी को सब कुछ मान लिया है, उनकी अपने इष्ट के चरणों में ऐसी भक्ति है कि हनुमान जी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभु राम ही है। तो हमारे भी जो जो इष्ट होते हैं, इष्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमारे जो भी इष्ट हैं, हमारे जो भी कुलदेवी या देवता हैं, उनमें हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए, स्वामी भक्ति होनी चाहिए। हनुमान जी भक्त शिरोमणि है और रामायण की मात्र 5 चौपाइयां मैंने यहाँ पे पढ़ी है और इन्हें पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री राम।